हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे होंगे। तो बस आगे चलिए, वीडियो देखिए। और प्लीज़ वीडियो देखते देखते एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग भी इस तरह का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ उनके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो बस आज की वीडियो यही है कि मैं ना तो आपके साथ डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना लंच की। तो ये एक तरीके का नाश्ते की रेसिपी है जो कि आप बना करके डब्बे में भर कर रख सकते हैं और महीनों दिन तक खा सकते हैं। ना तो ये ख़राब होगा ना ही इसका स्वाद बदलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक पारे और ठेकुए। तो ये ठेकुए का आटा मिक्स कर रही हूँ। तो जितना मैं आटा ली हूँ उतना मैदा भी ले ली हूँ और उसके आधे भाग में ले ली हूँ सूजी। और ये चीनी का भुर्रा है उसी को मैं मिक्स कर दे रही हूँ आटे में। तो 3 कटोरी चीनी का भुर्रा ले ली हूँ, सॉरी 3 नहीं 3.5 कटोरी चीनी का भुर्रा डाली थी, भूल गई। और नारियल कद्दूकस किया हुआ है, सूखा हुआ नारियल है जो इसमें डाल देंगे। और भी आपको जो भी इसमें मेवा डालना हो डाल दें। और रिफाइंड डाल देंगे मोमन के लिए, थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब इसमें रिफाइंड ज़रूर डालें मोमन के लिए ताकि इसे अच्छे से क्रंचनेस आए, खस्ता बने एकदम बिस्किट जैसा। और हल्का गुनगुने पानी में इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और गूंद लेना है एकदम, जिस तरीके से जिस तरीके से आप समझिए कि लड्डू का डो जैसा होता है उसी तरह का इसका आटा एकदम तैयार कर लेना है। और ये रात का वीडियो है, मतलब रात में ही हम लोग बना रहे थे खाना वाना बन जाने के बाद में। कई दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, बच्चों का सबका खाने का मन हो रहा था तो बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो बस रात में ही खाना वाना बना करके मैं लग गई थी बनाने। मैं शुरू की थी बनाना 8 बजे से और काफ़ी समय हो गया था बनाते बनाते, लास्ट में तो 11:30 तो बज ही चुका था। और ये थोड़ी सी घी पड़ी हुई थी एक डब्बे में 4 चम्मच के करीब, तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ और इस डब्बे को साफ करके रख दूँगी, किसी चीज़ रखने का काम आ जाएगा। और सारा चीज़ मिक्स करने के बाद काफ़ी सारा मटेरियल हो चुका था। देखिए मेरा बर्तन भी काफ़ी छोटा पड़ रहा है, इतना इसमें भर चुका है। मैं किसी तरह आराम आराम से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे बस मैं ही नहीं बैठी हूँ बनाने के लिए, मेरे पति देव भी हैं और बच्चे भी हैं साथ में, सब लोग हैं। सब लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि बस ठेकुआ बन रहा है, नमक पारे बन रहे हैं। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और जितना हो सके आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उन लोगों का वीडियो में मतलब कुछ काम लायक चीज़ हो। और जो भी वीडियो में मुझसे गलती हो रही हो फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा बेझिझक, अपना परिवार सदस्य समझ के, फैमिली के सदस्य समझ करके बस आप लोग बता दीजिएगा, तो उसको मैं आगे के वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग बताइएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी सुन करके, जान करके कि हाँ आप लोग मुझे फैमिली की तरह समझने लगे हैं अब, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और ठेकुए का आटा लग करके तैयार हो चुका है। यहाँ मैं नमक पारे का आटा लगा रही हूँ। तो नमक पारा के आटा लगाने के लिए यहाँ पे 700 ग्राम के करीब मैदा था, उसमें मैं 2 कटोरी आटा मिलाई हूँ। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 250 ग्राम आटा मिला दी हूँ और 1 कटोरी यानी 200 ग्राम के करीब सूजी डाली हूँ। और इसमें भी रिफाइंड डाल दूँगी मोमन के लिए। और इसमें जाएगा एक मतलब स्वाद अनुसार के नमक, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच खाने वाला सोडा डाल दीजिए, अगर आपके पास सोडा है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे भी काफ़ी अच्छा बनता है। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं डाल दी। और अजवाइन 1 चम्मच, अजवाइन या मंगरेला जब भी आप डालें हाथों पर क्रस्ट करके डालें ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और ये रहा मंगरेला, मंगरेला को कुछ लोग कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी के भी नाम से जाना जाता है। काले काला होता है और बिल्कुल ही बारीक बारीक होता है, जिस तरीके से राई के दाने नहीं होते तो उससे भी छोटे छोटे होते हैं। और इसमें रिफाइंड डाल दूंगी मोमन के लिए, और अच्छे से मोमन इसमें डालेंगे ताकि एकदम खस्ता बने। और बस इसका जिस तरीके से आप समोसे का डो लगाते हैं उसी तरह से लगा करके तैयार कर लीजिए। इसको भी गुनगुने पानी से ही लगाइएगा, बस हल्का गुनगुना पानी लेना है, ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म आप पानी यूज करते हैं और जब आप ठेकुए का आटा लगाते हैं उसमें चीनी डाल देते हैं तो आपका सारा चीनी फ्रेंड्स पिघल जाएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो बस हल्का गुनगुना पानी लें, या ना हो तो रूम टेम्परेचर में जो पानी रहता है उसी को लें, गुनगुना पानी की भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नमक पारे का भी आटा, आटा किस तरह का सही लगता है नमक पारे का उसका पहचान यही है कि जब आप आटा मिक्स कर रहे हैं तो एक मुट्ठी में दबा लीजिए और उसको एकदम हल्के से एक उंगली से फोड़िए, अगर वो टूट करके बिखर जा रहा है तो समझिए कि आपका आटा एकदम सही लग चुका है। और बस अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे नमक पारे की पूड़ी बेलेंगे, उसको काटेंगे, तैयार कर लेंगे। तलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, बस कुछ मिनटों में ही, कुछ मिनटों में क्या, आधे घंटे में तो आप चाहें तो बहुत सा ज़्यादा ही तल करके तैयार कर सकते हैं। बस इसकी प्रोसेस में जो है तैयारी करने की उसी में टाइम लगता है। और ये देखिए खाली बेलन चौकी ही चल रहा है, बस उतावलापन है, कब बेलने को मिले कब बेलने को मिले, किसी से भी तसल्ली नहीं हो रहा है। तो आज कल करते करते फाइनली आज बन ही रहा है। ये बस बनने भर की देर थी, ख़त्म होने में देर नहीं है, बस 2 दिन में ही नमक पारे तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब बस ठेकुआ थोड़ा सा बच रहा है। और मेरी गलतियों को आप अनदेखा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी फ्रेंड्स, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। और ये ठेकुए का सांचा एक तरीके से लकड़ी का बना हुआ आता है, जहाँ भी लकड़ी का सामान या फर्नीचर बनता है वहाँ आप अगर जाकर बोल दें कि ठेकुए का सांचा बना दीजिए तो वो आराम से इजली बना देंगे। और ये मार्केट में भी इजली मिल जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं या बनवा भी सकते हैं। इसके ऊपर फूल कटा हुआ रहता है जो कि आप जब भी इसमें आटा डाल करके दबाएंगे तो जो भी ठेकुए का आटा था उस पर फूल एकदम उभर कर आ जाता है। तो इसे कोई स्वाद में अंतर नहीं होता, बस देखने में सुंदर लगता है और बच्चों को ऐसा लगता है इसमें फूल बना है फूल बना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी लोई बना सकते हैं छोटा सा, उसको दबा करके देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका फूल। और नमक पारे भी सारे कट कर तैयार हो चुके हैं, तो
तो इसको मैं साइड में कर दूंगी और चलती हूँ सबसे पहले खाना खा लेने, उसके बाद इसको तलूंगी। काफ़ी लेट हो चुका है खाना खाने में, 10 बज चुका था, 10 बजे हम लोग खाना खाने जा रहे थे। और खाने में मैं आज बनाई थी सिंपल वाली अरहर की दाल और चावल और आलू और पोई की सब्जी। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, खाना परोस दी हूँ, पहले खा लूँगी उसके बाद सारे नमक पारे और ठेकुओं को तलूँगी। तो आज का हमारा खाना यही है, सिंपल सा दाल चावल सब्जी। और खाना पीना हो चुका है, बर्तन में मैं पानी डाल चुकी हूँ और तब तक के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले मैं नमक पारे तलूंगी। तो नमक पारे को इस तरह से आप किनारे से डालिए साइड से, और एक बार में काफ़ी नमक पारे निकल जाते हैं। और ये देखिए इतना डाल दी हूँ, और तब तक के लिए फ्राई होगा, तब तक मैं चलती हूँ बर्तन धो लेने। और बस हमारा बर्तन भी धुल करके तैयार हो चुका है, और एक बार ये निकल भी चुके हैं निमकी, दूसरी बार मैं डाल दी हूँ। काफ़ी लेट हो रहा था फ्रेंड्स, नींद भी आ रही थी, और गर्मी के मौसम में तो भाई चूल्हे के पास बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये भी हमारे तल कर तैयार हो चुके हैं। आपको ये लग रहा होगा ये वाला थाली वाला इतना लाल है और ये इतना हल्का कलर है, तो तला नहीं, ये तल करके पूरे चीज़ तैयार हो चुका है। थाली वाला मैं नहीं निकाली हूँ, मेरे पति देव निकाले थे जब मैं बर्तन धो रही थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा तल चुका है और ये सही तला हुआ, क्योंकि इसमें मैदा पड़ा हुआ है तो आप बहुत देर तक इसको फ्राई करेंगे तो फिर जब काला हो जाएगा तो उसका कलर वैसा हो जाता है। तो इसको आप जब भी तलें, थोड़ा टाइम लगेगा, धीमी आँच में ही तलें, एकदम अच्छा क्रंचनेस इसमें आ जाएगा। और उसी तेल में सेम कढ़ाई में मैं ठेकुओं को भी डाल दे रही हूँ तलने के लिए। ठेकुओं को भी बस इस तरह से साइड से ही डालिए आप, एक एक करके, एक के ऊपर एक मत डालिएगा। और ये दोनों का स्वाद इतना अच्छा होता है ना, एकदम बेस्ट में बेस्ट जाता है। आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर एक बार मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा स्वाद इसका, काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा। और ये देखिए ठेकुए भी हमारे सिक करके तैयार हो चुके हैं, ठेकुए का स्वाद एकदम बिस्किट जैसा आया था। मैं अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग को विश्वास ना हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना करके देखिएगा। ये किसी बिस्किट से कम नहीं था फ्रेंड्स। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है कि नहीं। वैसे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, शुरुआत है अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और बताना तो ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। ठेकुओं को भी बस आराम आराम से तलना है धीमे आंच में पलट पलट करके, और बस उधर एक बार की और ठेकुए एक घानी और है तो उसको कढ़ाई में छोड़ दी हूँ तलने के लिए। तब तक इसको डब्बे में भर कर रख दूंगी, डब्बे में आप जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तभी भर कर रखिएगा। ठेकुआ हमारा थोड़ा अभी गर्म है तो उसको मैं अभी डब्बे में नहीं भरूंगी, थोड़ी देर बाद भरूंगी। तो यहीं तक था आज का मेरा वीडियो ब्लॉग, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू फ्रेंड्स। Love you, take care, bye bye.